प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 52 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में जो कवि काव्यखंड है कैदी और कोकिला, इस कविता को पढ़ने और समझने वाले हैं। टर्म टू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कविता, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरे मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप सीरियल वाइज सारे वर्कशीट को देखते और समझते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, साथ ही नई नई वीडियो, नई नई सारी अपडेट लगातार आपके पास आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कविता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, और उन्होंने यहाँ पर जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ हमारे लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत सताते थे, उन्हें कैदी की तरह रखा जाता था। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहली है कैदी, दूसरा है कोकिला। तो कैदी और कोकिला, कैदी को भी जेल में अंधेरा लगता है, सारा काला काला दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रतीक के रूप में चुना है कोकिला, यानी कि कोयल को, क्योंकि कोयल भी काली होती है। तो क्या कहते हैं, एक कोयल जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जेल में बंद हैं अंग्रेज़ों के, जहाँ पर कि अंग्रेज उन्हें बहुत सताते हैं, बहुत मारते हैं, ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। तो वहाँ पर कोयल रात को जाती है और कुछ गाने गाने लग जाती है। तो कैदी कोकिला से कहते हैं कि कोकिला कोयल क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। तो जो कैदी है वो उस कोयल को कहते हैं कि तुम कौन सा मैसेज हमारे लिए लेके आई हो, क्या बोलना चाहती हो, क्योंकि कोयल रात को कुछ बोल रही है। तो जो हमारे जेल में स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें लगता है कि कोयल कोई मैसेज हमारे लिए लेके आई है, कोई हमारे लिए शुभ संदेश लेके आई है। तो उसे बार बार पूछते हैं कि कोयल बोलो किसका संदेश लेके आई हो, क्या बोलना चाह रही हो, क्यों बोलते बोलते रुक जाती हो, बोलो जो भी कुछ बोलना है। और आगे कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, वो अपनी कंडीशन बताते हैं कि हम इस जेल की चार दीवारी में बंद हैं। तो ये चार दीवारी कैसी है, ऊंची है, काली है और दीवारों के घेरे में हम हैं, है ना, यानी कि कैदी हैं हम। साथ ही हमारे अगल बगल, हमारे आसपास कौन है, डाकू है, चोरों बटमारों के डेरे में हमें रखा गया है, चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, बटमारों के साथ, जो जेब कतरे होते हैं उन्हीं के साथ हमें रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़फ रह जाना। तो जेल में अंग्रेज लोग कहते हैं कि ना इन्हें पेट भर के खाना देते हैं, और अगर मरना चाहें तो मरने भी नहीं दिया जाता, इन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि तड़फा तड़फा के इन्हें मारा जाए। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यानी कि जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन में तम यानी कि अंधकार का कड़ा पहरा है। और यहाँ पर जो अंधकार है वो अंग्रेजी शासन के लिए भी कहा है कि अंग्रेजों का हमारे ऊपर एक कड़ा पहरा है, और वो प्रभाव, अंग्रेज हमें मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते, मरने भी नहीं देते। तो अंग्रेजों द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे, भारतवासियों पे जो अत्याचार किए जाते थे, जो उन्हें सताया, मारा, पीटा जाता था, उसका यहाँ पर वर्णन किया है किस तरह से, कि जीने नहीं देते हैं, भरपेट खाना नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते हैं, तड़फ करके और तड़फा तड़फा करके हमें रखा जाता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा भी निराश करके चली गई हमें छोड़ के। चंद्रमा कैसे, यानी कि जब चंद्रमा धीरे 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 छोटी 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 होती है और अमावस के दिन बिल्कुल गायब हो जाती है, तो आज अमावस का ही दिन है, क्योंकि रात काली है, जेल काली है, साथ ही हमें जो दिख रहा है वो सब काला काला है,
और कोयल भी काली है, इसीलिए यहाँ पर कोयल को ही प्रतीक के रूप में चुना है। और कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो भी हमसे नाराज होकर के चली गई है, इस समय कलिमामयी जगी क्यों वाली, तो इस समय तो क्यों हमें जगाने आई है जब सब लोग सोए हुए हैं। तो अंग्रेजों द्वारा किस तरह से अत्याचार किया जाता था उसके यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चलिए पहला सवाल है, कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना किस रंग से की है, तो कौन सा रंग है यहाँ पर, देखो हरा बिल्कुल नहीं, काला यस, तो बिल्कुल ख ऑप्शन आपका करेक्ट है यानी कि काला। उसके बाद दूसरा सवाल है, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें तीन शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं और चौथा इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हिमकर चंद्रमा को कहते हैं, इंदु भी चंद्रमा को कहते हैं, शशि भी चंद्रमा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है रवि। रवि किसे कहते हैं, सूरज को, तो सूरज तो चंद्रमा का पर्यायवाची होगा नहीं, तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका घ यानी कि सूर्य रवि। और अगले बाकी तीन चार सवाल आपके लिए रिटर्न वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर लिखवाया जाए लिखवाया जाए, जबकि कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट है जिन्होंने कहा कि सर ऐसे बोल के लिखवाया जाए, तो चलिए बोलूँगा भी साथ ही आपको लिखवाने की भी कोशिश करूँगा। तो तीसरा सवाल है, कवि जेल में किस प्रकार की यातनाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कवि जिस प्रकार के जेल की चर्चा कर रहे हैं वहाँ ना ही भरपेट खाना मिलता है खाने को जीने को और ना ही मरने दिया जाता है, यानी कि ऐसे जेल में अंग्रेजों द्वारा तड़फा तड़फा कर मारा और जिंदा रखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ना ही जीने दिया जाता है तसल्ली से और ना ही मरने दिया जाता है तसल्ली से। अगला सवाल है, जेल में किस किस प्रकार के कैदी बंद हैं, तो जेल में बहुत सारे प्रकार के हैं, जहाँ पर लेखक कैद है वो कवि ने जिस जेल का वर्णन किया उसमें चोर डाकू बटमार आदि जेब कतरे बंद हैं, तो जो जेब कतरे हैं ना वो सारे उस जेल में बंद हैं, लेखक भी उन्हीं के साथ वहाँ पर बंद हैं। और अगला सवाल है, कवि ने यहाँ पर कभी लिखा है, तो कवि लिखेंगे से छोटी, कवि ने अपनी बात कहने के माध्यम के रूप में कोयल को ही क्यों चुना होगा, बहुत बड़ा सवाल है। कोयल काली होती है, अंग्रेज का शासन भी काला है, साथ ही कोयल मीठा बोलने के बावजूद भी कैदी उसकी आवाज़ से डर रहे हैं, तो जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें अच्छी चीज़ भी बेकार लगती है, तो इसीलिए यहाँ पर काले को प्रतीक के रूप में चुना है। और एक एक्टिविटी है आपके लिए, कवि ने जिस प्रकार की जेल की चर्चा की है उसी प्रकार एक जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेक्युलर जेल के नाम से बनाई थी। सेक्युलर जेल के बारे में क्या आपको जानकारी है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सेक्युलर जेल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी। जो भी हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें यहाँ डाल दिया जाता था, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर और जानबूझ के से ऐसी जगह बनाया गया था जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो। वह सागर से भी हजार किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या है, काला पानी, कई बार आपने सुना होगा कि उसे काला पानी की सजा सुना दी, यानी कि उसे इसी जेल में रखा जाता था। काला पानी शब्द अंडमान के बंदी उपनिवेश के लिए देश निकाला देने का पर्यायवाची है, यानी कि काला पानी कर दिया, उसे देश से निकाल दिया, यहाँ रख दिया। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना है और जिसका अर्थ है मृत्यु।
तो यहाँ पर जो है मरने मृत्यु तुल्य यहाँ पर भाव रहते थे। तो ये है आज की वर्कशीट, कुछ अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताएं आपका क्या है इस पार्ट के बारे में, आपको रिटर्न में सवाल आंसर दूं या आपको मुंह से बोलकर ही समझाया जाए, बेझिझक बेहिचक आप ज़रूर बताएं। साथ ही मुझे बताएं कि हम हिंदी के लाइव चैप्टर आपको किस दिन और किस टाइम आपके लिए सही रहेगा, तो मुझे कमेंट करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, यहाँ पर आपको इसी तरह से मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। धन्यवाद।